हेलो एवरीवन, आज हम सिक्स क्लास का चैप्टर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आगे कंटिन्यू स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा स्टडी किया था कि व्हाट इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हम सब ने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। आज हम उनके बारे में और जानेंगे कि उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हमें डिजीज हो जाती हैं। तो चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, बैलेंस्ड डाइट किसको बोलते हैं और वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो देखिए, द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट, कि जो खाना हम पूरे दिन में खाते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपनी डाइट। अब देखिए, द डाइट विच कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, कि वो डाइट मीन्स वो खाना जिसमें जो ओल्ड न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के वो सभी प्रेजेंट हो प्रॉपर अमाउंट में, उसी को हमने क्या बोला है, बैलेंस्ड डाइट। अब देखिए, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो सिंगल फूड नॉट प्रोवाइड अस ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, सो वी शुड ईट ऑल टाइप ऑफ फूड इन आवर डाइट, कि अगर हम सिंगल कोई भी चीज़ कंज्यूम करते रहेंगे कंटिन्यू तो उससे हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए कि उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हो क्या हो, प्रेजेंट हो। तो आगे देखिए, अगर हम बैलेंस डाइट के सोर्सेज की बात करें तो उसमें मैंने सो कर रखा है सीरल्स, बटर, पल्सेज, फ्रूट, वेजिटेबल, वाटर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारी बैलेंस डाइट के हिस्सा हैं, क्योंकि इनसे हमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, रफेज एक्सेट्रा, ये सब हमें कंटिन्यू मिलते रहते हैं। तो चलिए, कि जो बैलेंस डाइट है वो किन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो देखिए, बैलेंस डाइट डिपेंड कर रही है टू फैक्टर्स पे, दैट इज़ एज एंड सेकंड वन ऑक्यूपेशन। अब अगर मैं एज की बात करूँ तो देखिए, द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड शुड कंटेन मोर प्रोटीन रिच फूड देन ग्रो अप मैन, कि जो चिल्ड्रन जो बच्चों की जो डाइट होती है वो ज़्यादा प्रोटीन की होनी चाहिए बजाय किनके, जो मैन जो हैं अडल्ट जो हैं जो ग्रो अप हो चुके हैं उनकी बजाय, क्योंकि जो बच्चों का जो बॉडी है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, और लेकिन अगर हम अडल्ट की बात करें, ग्रो अप मैन की बात करें, तो ऑलरेडी उनका जो बॉडी है वो ग्रो कर चुकी है, इसलिए हैं जो बच्चों के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब अगर ऑक्यूपेशन की बात करें हम, तो देखिए कि कार्य करने की क्षमता के ऊपर भी बैलेंस डाइट क्या होती है, डिपेंड करती है। तो द बैलेंस डाइट ऑफ ए मैन डूइंग हार्ड वर्क फिजिकली इज मोर देन नॉर्मल वर्कर, ये जो बैलेंस डाइट है, जो कोई पर्सन फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है जैसे कि मजदूर करते हैं, इन ये जो जो वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क जो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उनकी डाइट होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए बजाय कोई ऑफिस में चेयर पे बैठ के अगर कोई वर्क कर रहा है उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें फिजिकल वर्क अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो उनके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए बजाय इनके जो नॉर्मल वर्क करते हैं। अब अगर देखें तो हमारा जो है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी के कारण और कौन कौन सी हमें डिजीज होती हैं, कि किस किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें क्या क्या डिजीज होती हैं, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। ए डिजीज़ विच अराइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, कि जो डिजीज़ ये है कि अगर हम कंटिन्यू खाने में किसी चीज़ की कमी होती जा रही है, कैल्शियम की, विटामिन्स की, प्रोटीन की, तो उनकी कमी के कारण जो डिजीज़ होती है उसको हमने क्या बोला है, डेफिशिएंसी डिजीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है। इसको हम जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है क्वासी ओरकर। अब देखिए इसके सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स क्या हैं और ये किन में होती है, देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो इट अकर इन स्मॉल चिल्ड्रन एज ऑफ 1 to 5 ईयर, कि जो बच्चे 1 से 5 साल के होते हैं उनमें ये बीमारी होती है, और वो क्यों होती है। इट अकर व्हेन मदर स्टॉप फीडिंग हर चाइल्ड, मीन्स कि अगर कोई
जो मदर है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मतलब अगर वो दूध नहीं पिला रही है तो उसके कारण ये बीमारी क्या होती है, अराइज होती है। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के, तो देखिए द चाइल्ड हैज़ स्लो ग्रोथ, मीन्स जो बच्चा है उसकी ग्रोथ क्या है, बहुत ही कम हो जाएगी। सेकेंड जो है द चाइल्ड बिकम वीक एंड इरिटेबल चिड़चिड़ा, मीन्स कि जो बच्चा है वो कमज़ोर हो जाएगा और उसका बिहेव हो जाएगा चिड़चिड़ा मीन्स इरिटेबल। अगर हम थर्ड पॉइंट की डिस्कस करें तो इसमें क्या है, द स्टमक ऑफ चाइल्ड बिकम स्वॉलन एंड बल्जिज आउट, कि जो बच्चे का जो स्टमक है वो फूल कर बाहर की साइड क्या होता है, निकल आता है। और स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फिट टेक्स प्लेस, और जो फेस है फिट है पैर वगैरह है उनके ऊपर भी स्वेलिंग आ जाती है मतलब सूजन आ जाता है। तो देखिए सेकेंड जो डिजीज़ है दैट इज़ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़, इसके कारण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण जो डिजीज़ हो रही है दैट इज़ मेरास्मस। अभी ये किन में होती है वो देखते हैं। इट अकर इन इन्फेंट और बेबीज, मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं ऑफ वन ईयर ऑफ एज, मीन्स जिनका एक साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी अराइज होती है। तो देखिए ड्यू टू लेस ब्रेस्ट फीडिंग एंड गिवन ए लेस न्यूट्रिटिव फूड, मीन्स अगर कोई मदर अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, दूध नहीं पिला रही है और उसको कम न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड कर रही है तो उसके कारण ये मेरास्मस डिजीज़ अराइज होती है बच्चों में। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देखिए द चाइल्ड बिकम लीन एंड थिन, मीन्स बहुत ही दुबला पतला हो जाता है बच्चा। सेकेंड अगर सिम्टम की बात करें तो द बोन ऑफ चाइल्ड शो थ्रू द स्किन, कि जो बच्चे की जो बोन है हड्डियाँ हैं वो हमें स्किन के थ्रू भी क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। थर्ड अगर सिम्टम की बात करें तो द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप कम्प्लीटली, कि जो जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है मीन्स वो ग्रो ही नहीं करता है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वेट बिकम वेरी लो ऑफ हिज एज, कि जो उसका वेट होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे देखिए जो है डायग्राम है, ए है क्वासीओर्कर डिजीज़ के कारण जो बच्चा दिख रहा है उसका है फिगर, और जो बी है दैट इज़ मेरास्मस डिजीज़ के कारण जो बच्चा दिखता है उसका फिगर है। तो इसमें देखिए जो बच्चे का जो है, अगर मैं बात करूँ क्वासीओर्कर की, तो इसमें देखो बच्चे का जो है स्टमक वो बल्जिज आउट आई मीन स्वेल करके और वो क्या हो रहा है, बाहर की साइड निकल रहा है, और जो स्किन है वो बहुत ही रफ है और जो उसके जो पैर वगैरह हैं इन सब में क्या आ रहा है, स्वेलन। अगर इधर हम मेरास्मस डिजीज़ की बात करें तो जो बच्चा होता है उसमें हेयर लॉस हो जाता है और उसका जो फेस होता है वो ओल्ड पर्सन की तरह मीन्स जो बिल्कुल जो बड़ा पर्सन होता है मीन्स बूढ़ा जो होता है उसके जैसा उसका फेस क्या होता है, सो होता है। अब जो है उसकी स्किन जो है रिंकल्ड होती है मतलब झुर्रियाँ हो जाती हैं और उसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये सब हैं उसके क्वासीओर्कर और मेरास्मस डिजीज़ के सिम्टम्स और उनके कारण जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है मीन्स उनकी जो बॉडी दिखाई देती है, ये है उनका डायग्राम। अब आगे चलिए देखते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ की, विटामिन्स के कारण कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो देखिए अगर विटामिन ए की बात करें हम, तो इट वीकेंस अवर विजन मीन्स ये हमारे जो देखने की जो क्षमता है उसको क्या करता है, बहुत ही कम कर देती है। और इसके कारण जो बीमारी होती है दैट इज़ कोल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, कि कोई पर्सन है तो उसको डिम लाइट में नहीं दिखाई देता है नाइट में। अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो इसके कारण जो डिजीज हो रही है दैट इज़ वेरी वेरी, और जो इसके सिम्टम्स हैं वो देखिए मसल्स बिकम वेरी वीक एंड हैव लिटिल एनर्जी टू डू वर्क, जो मसल्स होती है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और जो कार्य करने की जो एनर्जी होती है वो भी बहुत ही कम हो जाती हैं। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो देखिए इसके कारण जो डिजीज हो रही है दैट इज़ स्कर्वी डिजीज़। अब इसके सिम्टम्स जो हैं, इट कोज ब्लीडिंग इन गम, लूजनिंग टीथ, वाउंड डू नॉट हील ईजिली, कि ये जो क्या होता है इसके कारण जो हमारे मसूड़े होते हैं वो भी कम मतलब ब्लीडिंग होने लग जाती है उनसे, और जो टीथ हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं।
अपनी रूट से, और जो वाउंड जो होते हैं मीन्स अगर हमें कोई घाव लग गया मतलब चोट लग गई तो वो जल्दी से भी क्या नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो इसके कारण जो बीमारी हो रही है दैट इज़ कॉल्ड रिकेटस, और ये बच्चों में होती है। इसके कारण क्या होता है कि बच्चों की हड्डियाँ क्या हो जाती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और वो बैंड हो जाती हैं मीन्स मुड़ जाती हैं। इट वीक द बोन्स एंड पुअर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, कि ये जो बोन्स और टीथ का जो होता है उनकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाती और बहुत ही वीक होती है। तो ये है विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़। अब आगे हम देखते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ की, मिनरल्स की कमी से क्या क्या डिजीज़ होती हैं। तो फर्स्ट जो शो कर रखा है दैट इज़ कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से जो होती है बीमारी उसको हमने क्या नाम दिया है, रिकेटस, कि जो कैल्शियम है उसकी कमी के कारण बच्चों में क्या हो जाती है, रिकेटस डिजीज़। इसके कारण बोन्स वगैरह क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स जो होती हैं और वो किसके हेल्प से बनती है, कैल्शियम और फॉस्फेट की हेल्प से, फॉस्फोरस की हेल्प से। अब देखिए आयोडीन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड जो है मिनरल, इसकी कमी के कारण क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है, क्रेटिनिज्म डिजीज़ हो जाती है। अब इसके सिम्टम देखें तो हम देखिए इन दिस डिजीज़ चिल्ड्रन हैव लेस फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी, कि इसके कारण क्या होता है कि जो बच्चा है उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम होती है, और जो मेंटल डिसेबिलिटी मीन्स कि उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत ही कम होती है। अब देखिए थर्ड जो है इट आल्सो कोज गोइटर इन अडल्ट्स, द नेक ऑफ ए पर्सन बिकम स्वेलन, कि जो अडल्ट्स होते हैं उनके में ये डिजीज़ का नाम क्या है, गोइटर, और इसके कारण जो गले में उनके क्या आ जाती है, सूजन, जैसे कि इस फिगर में शो कर रखा है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड कैसी होती है। तो देखिए जो अगर नॉर्मल थायराइड जो ग्लैंड होती है वो ऐसी होती है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसमें गोइटर डिजीज़ हो जाती है, और जिसके कारण जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, मतलब उसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब देखिए जो है इसमें आप फिगर में देख रहे हो कि इस पर्सन का जो नेक है वो क्या कर गया है, स्वेल कर गया है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या कर गई है, स्वेल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब आगे हम बात करें तो आयरन जो है, आयरन की कमी से क्या क्या होता है। तो फर्स्ट जो डिजीज़ है इसके कारण जो हो रही है एनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड, कि खून की कमी आ जाती है बॉडी में, और वो किसके कारण, आयरन मिनरल्स की कमी के कारण। अब देखिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करें तो हम आयरन एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कि जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, और किसमें, इन रेड ब्लड सेल, जो हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनमें। अब देखिए इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन हीमोग्लोबिन नॉट मेक इन बॉडी, अगर आयरन की कमी आ गई तो हमारे बॉडी में क्या नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ब्लड नहीं बनेगा। तो ये जो है पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आयरन के ऊपर। अब इसके सिम्टम की बात करूं तो देखिए द पर्सन बिकम वीक टायर इजली एंड लूजेस वेट, कि जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और बहुत ही जल्दी थक जाता है, और उसका वेट भी क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो ये सब थे मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज़ थी। अभी आपका चैप्टर क्या हो गया है, कम्प्लीट हो गया है, इसको अच्छे से स्टडी करो। थैंक यू। Please click on red button icon for subscribe the channel and share it. Thank you.